हमारे लिए पर्दे पर चल रही पिक्चर में नुक्स निकालना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन असल जिंदगी में उसे निभा पाना उतना ही कठिन और कभी कभार खौफनाक बन जाता है। ऐसे ही एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी मिस यूनिवर्स रह चुकी एक्ट्रेस लारा दत्ता। आज हम आपको लारा दत्ता की जिंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे ये एक्ट्रेस अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और खौफनाक अनुभवों में से एक बताती है। उन दिनों 2003 की सुपरहिट फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान फिल्म के एक गीत रब्बा इश्क ना हुए को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में समुन्दर के किनारे फिल्माया जाना था। गाने का सेटअप तैयार था, अब बस हीरोइन लारा दत्ता और हीरो अक्षय कुमार को समुन्दर से सटे एक खड़े चट्टान पर डांस करना था। अब मसला ये था कि लारा दत्ता को पानी से डर लग रहा था। जैसे तैसे डायरेक्टर साहब ने अपनी हीरोइन को मनाया और शूटिंग शुरू हो गई। कौन जानता था कि लारा दत्ता का ये डर सच होने जा रहा था। गाना चल ही रहा था कि पीछे से एक विशाल लहर सीधे चट्टान की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस लहर ने अक्षय और लारा दोनों को ही अपनी चपेट में ले लिया। किसी तरह अक्षय कुमार ने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन जब तक वो होश संभाल पाते, लारा समुन्दर के बीच फंस चुकी थी। सच में सन्नाटा पसर चुका था। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि अब लारा दत्ता को कैसे बचाया जाए। घबराहट तो तब और बढ़ गई जब ये मालूम हुआ कि लारा को स्विमिंग नहीं आती। उन्हें गहरे पानी में डूबता देख डायरेक्टर साहब भी सन रह गए। लेकिन तभी अपनी सूझबूझ से अक्षय ने पानी में गोता लगाया और बड़ी ही मशक्कत से लारा की जान बचा ली। अपनी हीरोइन को पानी से बाहर सही सलामत देख सेट पर सभी लोगों की जान में जान आई। पर इस पूरे हादसे से लारा सहम गई थी। कई दिनों तक वो शूट पर नहीं आई। आखिरकार अक्षय ने लारा को मनाया और फिल्म पूरी हुई। जनाब ये वही फिल्म थी जिसके लिए लारा दत्ता को बेस्ट डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।